वेलकम फ्रेंड्स, मैं देवनंद बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये सोनी का एक 22 इंच का LCD है। इसका प्रॉब्लम देखिए, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइनिंग दिखाई दे रहा है पूरा फुल स्क्रीन में। और मैं इसका मॉडल नंबर भी दिखा रहा हूँ। ये सोनी का 22 इंच का सेट है, 22DX350 ये मॉडल है इसका। तो मैं अभी इस सेट को रिपेयर करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप होता है वो मैं हम लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, ऐसे केसेस में रिपेयर करने के लिए हम लोगों को पहले सेट को खोलना पड़ेगा, पैनल को ओपन करना पड़ेगा। और इसके बाद जैसे मैंने वोल्टेज टेस्ट करूँगा, इसी तरीके से ही आप लोगों को चेक करना है। ये जो सिम्टम है, ये सिम्टम देख के ही पता चलता है क्या इसका गेट ड्राइव में कुछ इशू है। तो सेट खोलने के बाद हम लोगों को पहले जो बेसिक वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो हम लोगों को पहले चेक करना चाहिए, इसमें कितना कितना वोल्टेज है और क्या कुछ मिसिंग है कि नहीं, वो चेक करना है। तो मैं एक एक करके चेक करके भी दिखा रहा हूँ। पहले तो इसका VCC सप्लाई चेक करना है। ये देखिए 4.68 वोल्ट ओके है। उसके बाद चेक करना है यहाँ पे, जब फर्स्ट चेक करना है 3.3 वोल्ट। यहीं पे एक 3.3 के लिए रेगुलेटर लगा हुआ है यहीं पे, जिसमें ये 5 वोल्ट इन हुआ है, 4.63 वोल्ट और आउटपुट 3.3 वोल्ट है। तो नेक्स्ट जो चेक करना है AVED वोल्टेज, यहाँ पे देखिए ये VDA लिखा हुआ है, यहीं पे आप देखिए 13 वोल्ट है और वो भी फिक्स है। और उसके बाद चेक करना है VGH वोल्टेज, यहीं पे देखिए VGHP वोल्टेज है जो 26 वोल्ट है, ये VGHP है। और जी जहाँ पे ये साइड कॉप और COG रहते हैं वहीं पे, उस PC में क्या होता है, ये जो VGHP आउटपुट हो रहा है, ये VGHP डायरेक्ट गेट ड्राइव के लिए नहीं जाता है, वो VGHP ये DC-DC IC पे इन होता है, उसके बाद VGH करके वो निकलता है। यहीं पे जो टेस्ट पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ, और जो यहीं पे जो जहाँ पे डाउट दिखाई दे रहा है, और VGL भी देखिए, VGL भी यहीं पे ठीक ठाक है, -5.58 वोल्टेज। मतलब ये गेट ड्राइव के लिए ये कॉफ देख के ही हम लोग को पता चलेगा क्या इसका साइट में या तो साइट कॉफ है या तो COG है, ये नॉन GIP पैनल है। ये स्कलर PC भी देख के ही हम लोगों को पता चलता है कि इसका साइड में कुछ ना कुछ गेट ड्राइव अलग से लगा हुआ है, तो वो कौन है वो पैनल खोलने के बाद पता चलता है। तो इसमें तो सारे वोल्टेज ओके है, लेकिन यहीं पे देखिए, यहीं पे जो गेट ड्राइव के लिए जो VGH वोल्टेज निकल रहा है वो देखिए 15.53 वोल्ट है। यहीं पे जो VGH का ट्रैक है यहीं पे देखिए वोल्टेज कम लग रहा है 15.55, लेकिन VGHP देखिए यहीं पे, यहाँ पे VGHP प्रॉपर है 26 वोल्ट। और मैंने जब यहीं पे टच करके देखा, यहीं पे जो VGH के लिए जो बूस्टिंग पॉजिटिव बूस्टिंग सर्किट किया हुआ है, ये थोड़ा सा सब हीट हो रहा है, तब भी यहीं पे VGHP वोल्टेज ओके है, लेकिन ये VGH वाला आउटपुट जो पॉइंट है जो गेट ड्राइव के लिए जा रहा है वो थोड़ा ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि इसमें अभी 15 वोल्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मिनिमम 22-23 वोल्ट होना चाहिए, ये थोड़ा ड्रॉप लग रहा है। और बाकी यहीं पे मैं बाकी सब जो गेट सिग्नल है उसको भी मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। यहीं पे जैसा लिखा हुआ है देखिए, STVR CKVOE XAO, यहीं पे देखिए STVR हमेशा मिली वोल्ट पे होता है 32 MV। उसके बाद ये CKV देखिए 2 वोल्ट है, ये भी ओके है।
इसके बाद ओई ओई 0.7 वोल्ट होता है, 0.795, ये भी ओके है। और एक्स ए ओ ये 3.3 वोल्ट, मतलब बाकी सब कुछ वोल्टेज इसमें सही दिख रहा है, सिर्फ ये जो वीजीएच वोल्टेज है जो साइड गेट ड्राइव के लिए जा रहा है वो ड्रॉप मिला है। और यहीं पे 3.3 देखिए, ये भी 3.3 वोल्ट भी जो वीडीडीजी लिखा हुआ है ये भी ओके मिल रहा है। तो यहीं पे ऐसा केसेस में हम लोग को चेक करने का जो प्रोसेस होता है, यहीं पे देखिए मैंने थोड़ा टच करके भी देख रहा हूँ ये सब हीट हो रहा है। तो अभी चेक करना है ये जो वीजीएच का जो आउटपुट पॉइंट में जो ड्रॉप हो रहा है ये डीसी टू डीसी एसी से ड्रॉप हो रहा है या गेट ड्राइव की कुछ शॉर्टिंग की वजह से ड्रॉप हो रहा है। इसको चेक करने के लिए हम लोगों को पहले ये जो वीजीएच का जो ट्रैक है इसको आइसोलेट करना पड़ेगा। मैं आइसोलेट करके दिखा रहा हूँ वोल्टेज स्टेबल होता है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहीं पे जो वीजीएच का आउटपुट पॉइंट था यहीं पे मैंने काट कर दिया है, यहीं पे मैंने कटिंग कर दिया है ट्रैक को। तो अभी चेक करना है यहीं पे जो वीजीएच का वोल्टेज है वो कितना बन रहा है। अभी देखिए यहीं पे 22 वोल्टेज अभी इसमें बन रहा है। तो वीजीएचपी भी देखिए 26 था, यहीं पे देखना है ये जो डीसी टू डीसी आईसी है यहीं से इसी पॉइंट से ये पॉइंट में वीजीएचपी इन होता है यहीं पॉइंट पे, और इसके बगल वाला जो पॉइंट है यहीं से वीजीएचएम निकलता है जो गेट ड्राइव के लिए जाता है 21.9। ये अभी वोल्टेज फिक्स हो गया है, मतलब ये वीजीएच लाइन में कहीं ना कहीं पे भी शॉर्टिंग हो गया है। तो मैंने पैनल को खोल के देखा तो इसमें सीओजी लगा हुआ है, मतलब इसमें बाईपास करने का कुछ चांसेस नहीं है। तो या तो ये सीओजी शॉर्ट हो सकता है या तो इसका जो ट्रैक जो लाइन जाता है गेट ड्राइव के लिए वो कहीं ना कहीं पे शॉर्टिंग है जिसके वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अभी देखना है, देखिए ये वीजीएल के साथ शॉर्ट है क्या नहीं ये भी देखने का एक तरीका है, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है वीजीएच और वीजीएल आपस में शॉर्ट हो जाता है। यहीं पे देखिए वीजीएल वोल्टेज कितना है, -5.51 वोल्टेज है। ये अगर वीजीएच अगर वीजीएल के साथ शॉर्ट होता तो यहीं पे रिपीट इधर साइड में हम लोगों को वीजीएल वोल्टेज मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वोल्टेज दिखा रहा है -1.184, लेकिन ये अगर वीजीएल के साथ शॉर्ट होता तो यहीं पे पूरा वीजीएल वोल्टेज शो होता। और अगर वीजीएच वीजीएल अगर शॉर्ट होता तो ये यहाँ पे जो 15 वोल्ट भी बन रहा था ये भी नहीं बन रहा था, ये भी नहीं बनते थे, क्योंकि अगर वीजीएच और वीजीएल आपस में शॉर्ट हो जाते थे तो पूरा ये सेट प्रोटेक्शन में चला जाता था, सब कुछ वोल्टेज एक बार आके बंद होना चाहिए था, लेकिन इसमें 15 वोल्टेज स्टेबल था वीजीएच का जो वोल्टेज है। मतलब क्या हो रहा है, ये वीजीएल के साथ शॉर्टिंग नहीं है, ये शॉर्टिंग शायद जो सीओजी है सीओजी मैक्सिमम शॉर्ट होने का चांसेस है, ऐसा करके हम लोगों को सोचना चाहिए इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है। ये वीजीएल के साथ शॉर्ट नहीं है, अगर वीजीएल के साथ शॉर्ट होता तो इसमें जो रिपीट जो मैंने ट्रैक को काट कर दिया है हम लोग को ये सोर्स को पॉइंट पे वीजीएल वोल्टेज मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें वीजीएल नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा माइनस वोल्टेज इसमें अभी शो हो रहा है। और इसका अपोजिट एंड में देखिए ये वीजीएच एम अभी स्टेबल है 21.9 वोल्ट। तो ऐसा केसेस में चेक करने का जो ये पैनल सीओजी शॉर्ट है क्या नहीं ये चेक करने का और एक तरीका है, मैंने वीजीएच वीजीएल पे आपस में शॉर्टिंग भी चेक किया, कोई शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि ये वोल्टेज देख के ही पता चलेगा इसमें वीजीएच वीजीएल में कुछ शॉर्टिंग नहीं है, ये सीओजी शॉर्ट होने का सिम्टम है ये। तो मैं एक ट्रिक दिखा रहा हूँ ये कॉन्फर्म होने के लिए जो सीओजी शॉर्ट है क्या नहीं, ये चेक करने का मैं एक तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कॉन्फर्म करने के लिए ये वीजीएच ये डीसी टू डीसी आईसी से भी ड्रॉप हो सकता था, क्योंकि ये 15 वोल्ट के करीब आ रहा था, इसलिए मैं कंफर्म करने के लिए क्या किया है यहीं पे एक जो
बूस्ट कन्वर्टर हम लोग यूज करते हैं। ये बूस्ट कन्वर्टर को मैंने ये AVD पॉइंट के साथ कनेक्टेड किया है। देखिए ये VDA पॉइंट के साथ सप्लाई और ग्राउंड कनेक्ट किया है, और यहीं पे मैंने 22 वोल्ट अभी फिक्स करके रखा है। देखिए 21.8 वोल्ट मैंने फिक्स करके रखा है। मैंने अभी इसको कॉप साइड वाला पॉइंट में लोड दे के देखूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रैक को काट करके अभी रखा है। ये DC to DC IC के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो मैं अभी कॉप साइड में लोड देकर देखूँगा इसमें कुछ चेंजेस आते हैं क्या नहीं। मैंने पैनल को अभी सीधा कर लिया है और लाइन भी दिया हुआ है। देखिए और इसमें ये वोल्टेज भी देखिए अभी 22 वोल्ट जो बूस्ट कन्वर्टर से निकल रहा है। और मैंने जो कॉप साइड का जो पॉइंट है VGHM का, वो भी मैंने यहीं पे बाहर रखा है। तो मैं अभी इसको टच करके देखूँगा, ये देखिए टच करने से कैसा आ रहा है। देखिए ऐसा सिम्टम आ रहा है, लेकिन यहीं पे देखना है VGH मेरा ड्रॉप हो रहा है कि नहीं, वो भी चेक करना है। ये जो पॉइंट है ये मैं इसके साथ कनेक्टेड कर रहा हूँ। देखिए ये 21.8 वोल्ट ही है, क्योंकि इसका एम्पियर थोड़ा हाई है इसलिए ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, तब भी इसमें ऐसा सिम्टम आता है। ये देखिए अभी मैं जो कॉन्फर्म करने के लिए जो प्रोसेस है वो मैं दिखा रहा हूँ। जो ये COG शॉर्ट है या क्या शॉर्ट है, इसको चेक करने के लिए मैं इसमें थोड़ा पेस्ट लगाऊंगा सब COG के ऊपर। जितना COG इसमें 3 COG है, ये सिम्टम बाहर से देख के ही पता चलता है क्या इसमें गेट ड्राइव के लिए ही इशू है। ये देखिए मैं यहीं पे ये एक COG है, तीन COG के ऊपर मैं पेस्ट लगा रहा हूँ। ये एक COG है और ये वाला एक COG है। सब COG के ऊपर मैंने पेस्ट लगा दिया है। अभी देखना है अगर ये हीट हो रहा है, ओवर हीट हो रहा है, तो ये जो पेस्ट मैंने लगाया है ये गल जाएगा, इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए मैंने तीनों का ऊपर पेस्ट लगा दिया है। अभी मैं ये COG की तरफ देखते रहे, मैं टच कर रहा हूँ। ये देखिए पूरा जो पेस्ट लगाया था पेस्ट पूरा गल गया है। देखिए यहीं पे जो पेस्ट लगा था ये अभी भी पूरा गल रहा है। देखिए यहीं पे लास्ट वाला में गल नहीं रहा है, ये सही है, लेकिन ये मिडिल वाला ये पूरा पानी की तरफ आ गया है। देखिए और ये भी पूरा गल गया है, और यहीं पे जो देखिए लास्ट जो कॉप था थोड़ा सा काम कर रहा है, इसलिए यहीं पे वीडियो लिखा भी आ रहा था। देखिए ये पूरा जो मैंने पेस्ट लगाया था पूरा गल के पानी हो गया है, पूरा ये भी पूरा गल चुका है, लेकिन ये थर्ड वाला ओके है, लेकिन पहला दो COG पूरा बर्न हो चुका है। यहीं पे देखिए एक धब्बा भी नज़र आ रहा है। देखिए ये COG के पास में यहीं पे भी देखिए यहीं पे पूरा शॉर्ट हो गया है, लेकिन यहीं पे देखिए कुछ धब्बा नज़र नहीं आ रहा है। यहीं पे एक ब्लैक डॉट की तरफ दिख रहा है, ये पूरा गल चुका है ये पेस्ट जो लगाया था। तो ऐसा करके हम लोगों को कन्फर्म करना है क्या ये COG शॉर्ट हो गया है, ये नॉन रिपेयरेबल हो गया है अभी। तो मैंने सिर्फ ये कैसे चेक करते हैं या कैसे कन्फर्म करते हैं, इसीलिए ही मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूँ। ऐसा करके आप लोग स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।